हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। आज मैं अपने चैनल में आपको बताने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। ये बहुत ही इजी है और झटपट बनने वाली है और हम इसे बिना ओवन के बनाने वाले हैं। ठीक है, गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए बटर, मस्का हमें चाहिए। ठीक है, गार्लिक लिया है मैंने, 8 कलियाँ ली है गार्लिक की, अच्छे से उसको चॉप कर लिया है। ये मैंने चीज़ लिया है, अमूल का जो क्यूब आता है वो 1 क्यूब लिया है मैंने और उसको अच्छे से खीस कर ले लिया है। और ये और एक चीज़ मैंने यूज़ किया है, ये थोड़ा अलग तरीके का चीज़ है, ये हम इसे खीस नहीं सकते तो मैंने इसको कट करके लिया है। देखिए ये वाला चीज़ है ये, ठीक है। और मैंने गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने बन लिया है, क्योंकि जब हम बन के स्लाइसेस करेंगे तो उसका शेप बहुत अच्छा आता है, सेम गार्लिक ब्रेड के जैसा दिखेगा। और मैंने थोड़ा सा अपना कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, धनिया लिया है, थोड़ा सा उसका कलर अच्छा दिखता है। ठीक है, तो आइए अब हम हमारा बन कट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बन के स्लाइसेस कर लेते हैं। देखिए हमें इस तरह से बन के स्लाइसेस कर लेने हैं, ना ज़्यादा हमें पतला रखने हैं और ना ज़्यादा ही मोटे करने हैं स्लाइसेस। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, लग रहे हैं ना गार्लिक ब्रेड के जैसे स्लाइसेस पूरे। ये क्विक वाला गार्लिक ब्रेड है फ्रेंड्स। देखिए इसी तरह से मैं पूरे गार्लिक ब्रेड के पीसेस कर लूँगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो हमारे गार्लिक ब्रेड के लिए है बन कट करके रख दिया है। देखिए आप देख सकते हैं इसके पीसेस कितने अच्छे कटे हैं। अब हमें क्या करना है, एक पैन हमें गैस पे रखना है, इसको थोड़ा गर्म होने देना है फ्रेंड्स। पैन हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बटर है, जो हमारा मस्का है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारा पैन, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है फ्रेंड्स पैन को, अगर आप ज़्यादा गर्म कर दोगे पैन को तो हमारा मस्का जो है जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बटर है, मस्का हमारा मेल्ट हो रहा है, ये जब थोड़ा और मेल्ट हो जाए तो हमें इसमें गार्लिक ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पर हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे गार्लिक के क्लोव्स हमने जो कट किए वो हमें ऐड कर लेने फ्रेंड्स। हमें क्यों ऐड करना है फ्रेंड्स, अगर आप पूरा जो बटर है वो मेल्ट कर दोगे फिर गार्लिक उसमें ऐड करोगे तो हमारा गार्लिक जो है वो और मस्का जो है वो बर्न ऐसे अलग कलर चेंज कर देगा, तो वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमारा बटर मेल्ट हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए इसे थोड़ा सा मीडियम करके कुक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हाई पे कुक करोगे तो हमारा बटर जल जाएगा और जो हमें जो गार्लिक की कच्ची स्मेल है वो भी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हमें इसे बारीक पे कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बटर जो है ये कुक हो रहा है, देखिए सी दिख रहा है आपको। इसे हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है। ठीक है, इसे कुक होने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे गार्लिक के जो हमने छोटे छोटे पीसेस करे थे उसकी कच्ची स्मेल पूरी तरह से जा चुकी है फ्रेंड्स, और हमारा बटर भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, हमारा जो गैस है वो हमें बंद कर देना है और हम इस जो मिक्सचर को, हमारा बटर और गार्लिक का जो मिक्सचर है उसे हमें बाउल में निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बटर और गार्लिक का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, ये जो कोरिएंडर लीव्स लिए हैं इसे बहुत बारीक नहीं कट करना है फ्रेंड्स, इसमें हम ये ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट किए हुए बंस है हमारे, इस पे हम पूरे ब्रेड्स पे ये लगा देंगे एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स,
हमें इस तरह इसे लगाते जाना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी तरह से स्प्रेड कर लिया है हमारे बन के ऊपर। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमें थोड़ा भी कॉर्नर एजेस नहीं छोड़ने हैं, हमें पूरी तरह अच्छे से फिल करना है जो भी हमारा मिक्सचर है ये बन के ऊपर, नहीं तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने हर इसके स्लाइस के ऊपर अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए, और देखिए जब मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड किए, इसके वजह से इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारी ये दो चीज़ है ये हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम ये वाला चीज़ इस पर रखेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने अमूल चीज़ इस पर पूरी तरह से स्प्रेड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम जो है ये जो स्लाइसेस हमने किए हैं चीज़ के, ये भी बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, इसके जो क्यूब्स है इस पर ऐसे रख देंगे, ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है फ्रेंड्स। तो इसके जो क्यूब्स है हम इस पर ऐसे रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरी तरह से रेडी कर दिया हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमने फ्राइंग पैन में हमने जो बटर मेल्ट किया था उसी को हमें गर्म पे रख देना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्लाइसेस पे सब चीज़ गार्लिक ब्रेड लगा है इसको हम इस पर रख देंगे। फ्रेंड्स गैस बड़ा नहीं करना है, अगर आप बड़ा करोगे तो बेस जो है इसका पूरा जल जाएगा। इसे हमने रख दिया, अभी इसे हमें ढककर पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट हो जाए तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाला मैंने चीज़ ऐड किया था वो भी मेल्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और ये बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स खाने में। अगर आप चाहो तो इस पर आप थोड़ा सा और चीज़ स्प्रेड कर सकते हो फ्रेंड। देखिए देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल कैफ़े जैसा चिकन गार्लिक ब्रेड। यस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो चिकन गार्लिक ब्रेड की, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को स्ट्रीट फूड बाय हिमरा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।